भक्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के कई कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इनके आने की खुशी में ही अयोध्या वासियों ने सारे नगर में दीप जलाकर इनका स्वागत किया था। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भक्तों, देवों और दैत्यों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे लक्ष्मी माता प्रकट हुई, और जिस दिन लक्ष्मी माता प्रकट हुई उसी दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। लक्ष्मी माता के जन्म दिवस के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। देवों के नायक श्री गणेश जी लक्ष्मी माता के दत्तक पुत्र हैं, और इसीलिए दीपावली पर इनका पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी माता का इस दिन पूजन करने का विशेष महत्व है। भक्तों, तो आइए भक्तों, सुनाते हैं वो कथा जिसे सुनने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर सुख संपत्ति से भर जाता है। तो भक्तों, दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, लक्ष्मी माता की। क्यों दीपावली का हम सारे उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। आओ हम दीपावली की तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों दीपावली का हम सारे उत्सव मनाते हैं,
खुशी में दीप जलाते हैं। और भी कुछ है कथाएं, आओ तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। आओ हम दीपावली की तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
की कृपा सबके बिगड़े भाग बनाते हैं, हाँ भाग्य बनाते हैं। आओ हम दीपावली की तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
दीपावली का पर्व है प्यारा, इसको मनाता है जग सारा, दीपों का पावन त्योहार। कार्तिक मास की अमावस्या को ये त्योहार है आता भक्तों, बजती खुशियों की शहनाई, जगमग जगमग दीप जलाते, हंसी खुशी से सारे मनाते, नए वस्त्र सब धारण करते दिन, लक्ष्मी और गणेश का घर घर में ही पूजन होता, क्यों होता है इनका पूजन, क्यों इनको करते हैं वंदन, क्यों हम सब ये पर्व मनाएं, प्रचलित इसकी कई कथाएं, उनमें से कुछ तुम्हें बताएं। प्रभु राम वनवास बिता के 14 वर्ष बाद अवध आए थे, खत्म किया था अपना वनवास, सबने इसकी खुशी मनाई, अवध में आई है रघुराई, खुशी से नगर निवासी नाचे, दुल्हन जैसी अवध की नगरी, नगर निवासी सजाए सगरी, खुशी का सबने दीप जलाया, दीपावली के जैसा मनाया। बड़ा ही मन भावन वो दिन था, कार्तिक मास की थी अमावस्या, जिस दिन राम अवध में आए, उस दिन से ही पर्व मनाते, सब जन घर में दीप जलाते, खुशी से बांटते सभी मिठाई, आपस में देते हैं बधाई। प्रभु राम जी के प्रेम में ये सारा संसार हंसी खुशी से मनाता है दीपावली त्योहार। इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी पूजा होती है दोनों की, क्यों इनकी होती है पूजा, साहूकार की एक थी बेटी, पिता के साथ में वन में रहती, एक लोटे में वो जल भर कर पीपल पर जल वो चढ़ाती, उसमें लक्ष्मी वास थी करती, रोजाना लड़की को देखे लेकिन माता कुछ ना बोले। एक दिन आई थी जब लड़की पीपल में से माता प्रकटी, क्या तुम बनोगी मेरी सहेली, कोई जवाब नहीं वो देती, केवल इतना ही बस कहती, कल तुमको मैं बतलाऊंगी, पिता से पूछ के मैं आऊंगी। पिता को सारी बात बताई, पिता ने तब सहमति जताई, अगले दिन लक्ष्मी को बताती, दोनों सहेली तब बन जाती, एक साथ है समय बिताती, एक दिन माँ लड़की से कहती, मेरे घर क्या बोलो चलोगी, लड़की पिता से पूछ के आती, लक्ष्मी माता के घर जाती, लक्ष्मी माँ के घर वो जाए, खूब किया माँ ने सत्कार, उस पे लुटाया अपना प्यार, तरह तरह के भोग खिलाए, लड़की वापस आने लगी, जब माता ने उससे पूछा तब, अपना घर कब दिखलाओगी, लक्ष्मी माँ को घर आने का दे आई न्योता, अपने घर आकर उसने पिता से तब बोला,
लड़की बोली अपने पिता से, उनका स्वागत करूंगी कैसे, हम हैं निर्धन और गरीब। पिता ने तब उसको समझाया, ठीक करेंगी सब कुछ माता, घर की कर लो साफ सफाई, सब कुछ देंगी लक्ष्मी माई। मिट्टी का तुम चौका लगाओ, चार मुंह वाला दीप जलाओ, सच्चे मन से बिटिया रानी लड़की ने फिर किया वैसा ही, एक हार हीरे का तब ही आसमान से वहाँ गिरा, लड़की ने उसको देखा, नभ में चील थी उसे दिखाई, हार कहीं से उठा के लाई, हार वही आंगन में गिरा, लड़की फौरन गई बाजार, वहाँ पे बेचा उसने हार, हार बेच कर धन था आया, तरह तरह का भोग बनाया। श्री गणेश को साथ में लेकर लक्ष्मी माँ आई उसके घर, माँ का किया उसने सत्कार, माई लड़की मुस्काए, व्यंजन तरह तरह के खिलाए, माता उससे हुई प्रसन्न, माने दिए उसको दर्शन, अपने असली रूप में दाती, दोनों को हैं दरस दिखाती, दोनों करते माँ का वंदन, आशीष उन्हें दिया लक्ष्मी ने, धन संपत्ति बरसी घर में, सुखमय जीवन है वो बिताते, श्री लक्ष्मी माता के हैं दत्तक पुत्र गणेश, इसीलिए माँ के संग इनकी पूजा होती विशेष, लक्ष्मी के संग श्री गणेश को इस दिन पूजता है जो इनको, धन की वर्षा माँ करती है, तथ्य हमें जो समझाते हैं, आपको हम वो बतलाते हैं, श्री कृष्ण से जुड़ी कहानी, सत्य भामा की मदद से भक्तों, कार्तिक मास की चतुर्दशी को, नरकासुर था राक्षस एक, कृष्ण ने इसको मार गिराया, सपने दीपोत्सव था मनाया, सारी ही जनता हर्षाई, एक कथा तुम्हें और बताएं, बतलाती है कुछ गाथाएं, समुद्र मंथन जब हुआ था, कार्तिक अमावस का वो दिन था, जिस दिन आई लक्ष्मी माता, जन्म दिवस के भक्तों रूप में, जो जन श्रद्धा और भाव से माँ को मनाता बड़े चाव से, उस प्राणी की सारी इच्छा धन दौलत बरसाने वाली, सोए भाग्य जगाने वाली, सुख और समृद्धि देती है, निर्धन को धनवान बनाती, धन संपत्ति को बरसाती, जिस पर माँ की कृपा होती, रंग को पल में राजा बनाती, सारी सृष्टि माँ से चलती, मैया सबकी झोली भरती, बिन लक्ष्मी मैया के शर्मा, सबसे प्यारा पर्व है दीपावली त्योहार, इस दिन सबको मिलता है माँ लक्ष्मी का प्यार।
आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। आरती का तुम थाल सजाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। मिलकर सारे मंगल गाओ, मिलकर सारे मंगल गाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। भाग्य उदय हो गया है मेरा, माँ के दर्शन पाए हैं। आज खुशी के मारे मेरा मनवा भी हर्षाए है। जल्दी आओ चौक पुराओ, जल्दी आओ चौक पुराओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। कमल पुष्प पर माता विराजे, साथ में सुख और समृद्धि, धन और वैभव को भी माता अपने संग ले कर चलती। अपनी झोली सब फैलाओ, अपनी झोली सब फैलाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। की दया की रोशनी से तो दुख के अंधेरे छटने लगे, ऐसा अमृत छलकाया है, खुद ब खुद दुख मिटने लगे, भक्तों माँ का ध्यान ध्यान लगाओ, लक्ष्मी माँ घर आई है। Thank you.
शुभ गुण सुंदर मूर्ति क्षीरोदधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं जो
भक्तों का भाग जाके चरणों की धूल से। अरे होती प्रसन्न मैया कोमल के फूल से, भक्तों का भाग जाके चरणों की धूल से। इनके चरणों से हो मां के चरणों से भरे भंडार, पूजन करो लक्ष्मी का। कमल का फूल मैया तुमको चढ़ाऊं,
महिमा सब जग गाता, सबको सुख समृद्धि देती, दुख संकट सबके हर लेती। रूप चतुर्भुज है मन भावन, दर्शन से मिटती है उलझन। हे माँ लक्ष्मी हे महामाई, ही सब खुशियाँ आती, हर विपदा को आप मिटाती, सबके अंधेरे दूर भगाती। धन वर्षा बरसाने वाली, घर में खुशियाँ लाने वाली, घर घर होती पूजा तुम्हारी, आपकी महिमा सबसे न्यारी। पर तेरी दया हो जाए, दुख दरिद्रता सबकी मिटाती, सोई हुई तकदीर जगाती। हे वरदानी हे कल्याणी, तुम सा कोई नहीं, पल में राजा कर दो, खुशियों से तुम घर को भर दो। तेरी दया की बात निराली, बात किसी की कभी न टाली, संकट दूर भगाने वाली, खाली झोली भरने वाली। सुख की सुनहरी सुबह भी मिलती, जिस पर आशीष है माँ तेरा, कभी न घेरे दुख का अंधेरा। भाग्य का खोलती हो तुम द्वारा, अन्नपूर्णा नाम तुम्हारा, धन धान्य से पूरण करती, खुशियों के भंडारे भरती। वार तुम्हारा इस दिन व्रत जो रखे तिहारा, पाप सभी उसके मिट जाते, कष्ट नहीं जीवन में आते। तेरे हाथ में जिसके सिर पर, उस प्राणी को कोई नहीं डर, दूर सभी संकट को कर दो, आनंद से घर उसका भर दो। संपत्ति कभी ना जाए, कोई विपदा नहीं सताए, तेरा साथ अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। संयम और सदाचार बढ़ाती, हर कोई तुम्हें मनाना चाहे, तुमको मैया पाना चाहे, कोई भी राह न भटके, तेरे भजन में मगन रहे हम, कभी नहीं हो जीवन में गम। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, सबके काम को तू ही संवारे, हर कोई तेरे काम न करता, तुझे पाए
जिसने तेरा जाप किया माँ, तूने उसको बहुत दिया माँ, मान भी दे सम्मान भी देती, उसकी पीड़ा सब हर लेती, हमको इतना मावर देना, हाथ सदा ही सिर पर रखना, साथ तुम्हारा कभी न छोटे, साथ निभाना मैया, दूर न हमसे जाना मैया, हाथ जोड़ कर करे माँ वंदन, जीवन में नहीं देना उलझन, दर दर ना हमको भटकाना, सत्य राह हमको दिखलाना, तुझको पाकर हम न पाए, साधक के साथ में रहते बल बुद्धि विद्या उसे है मिलती, हम है मूर्ख हम अज्ञानी, ज्ञान की देवी तुम महारानी, दुख के तिमिर में फंस ना जाए, दूर मत तुमसे हो नहीं जाए, अपनी कृपा मां हम पर रखना, ते रहना झोले खाली, हे महारानी हे कल्याणी, तेरी कृपा से रोज दिवाली, नाम कभी नहीं भूले तेरा, सुमिरन गाए सांझ सवेरा, मैया तेरे चरणों में ही झुका रहे सदा शीश ये मेरा, ज्ञान न जाए, धन आए सब कहते हैं, अभिमान में सब रहते हैं, अहम में जो प्राणी आ जाए, पाप के गर्त में वो पड़ जाए, ऐसी दया बनाए रखना, से नाता न जोड़े, भव के सारे बंधन तोड़े, सत्य के पथ को कभी न छोड़े, हम है शरण में तेरी दाती, तू तो सबकी लाज बचाती, लाज हमारे हाथ में रखना, सहारे से माँ, केवल एक इशारे से माँ, बन जाएगी मेरी किस्मत, कर दो मैया थोड़ी रहमत, हाथ तुम्हारे कमल विराजे, तेरी दया का डंका बाजे, तेरे हाथ में जिसकी डोरी कट जाती है रात अंधेरी, दर पे लौटा उसका हित कभी ना होता, दुर्गम काम सुगम करती हो, सब पर अनुकूल